नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेवेन्यू कैश मैनेजमेंट सिस्टम से कैसे आवेदन करना है। ये राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू किया गया है, जिसमें आप स्वतः आवेदन कर सकते हैं। इससे आपको किसान भाइयों को इतना फ़ायदा होगा कि आप घर बैठे आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए आपको कलेक्ट्रेट या तहसील के आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और जिस तरह से मध्य में जो बिचौलिए रहते थे, जो आवेदन के लिए आपसे बहुत सारा पैसा लिया करते थे, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखें। और आज आपको जो जानकारी दी जा रही है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें जो आवेदन होते हैं किसान भाइयों, वो नामांतरण, बंटवारा, है ना, आवासीय पट्टे या BPL आवेदन, इस तरह से बहुत सारे आवेदन हैं जो आप स्वतः कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है और वहाँ पर टाइप करना है आपको RCMS। ठीक है किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कैसे करना होगा। यहाँ पर आप गूगल टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको गूगल सर्च इंजन ओपन होगा। ठीक है किसान भाइयों, ये हो गया। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर डालता हूँ RCMS। मैं यहाँ पे जैसे ही डालूंगा, यहाँ पर ये सबसे ऊपर टॉप पर आएगा RCMS। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस पोर्टल में सार्वजनिक वाद की सूची, प्रकरण विवरण, आदेश, आवेदन, डाउनलोड सहायता, इतने सारे मेन्यूज हैं किसान भाइयों। तो ये आप अगर देखना चाहें तो आप वेबसाइट ओपन करके सारे के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको भी आवेदन कैसे करना है उसकी जानकारी उपलब्ध करा देता हूँ। ठीक है किसान भाइयों, तो जुड़े रहें। और ये जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आवासीय पट्टे के लिए आवेदन करें, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको नागरिक स्वतः आवेदन करे पे करने हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के लिए बोला जा रहा है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। अब इस पेज में आपको डिटेल्स फिल करना है आपकी। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि इसमें कोर्ट का जो प्रकार है, जैसे आप आवेदन किसके लिए कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट के लिए कर रहे हैं, SDM को कर रहे हैं, तहसीलदार या नजुल को कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप बंटवारे के लिए आवेदन कर रहे हैं तो तहसीलदार को आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तहसीलदार यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम भरेंगे, जो भी आवेदक है उसका नाम यहाँ पर फिल करा आपने। मैं आपको ऐसे ही टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए रामलाल है कोई, तो ये रामलाल हो गया। पिताजी का नाम अगर कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए नाना लाल है, तो यहाँ पर नाना लाल भर दिया अपन ने। तो इस तरह से यहाँ पे ये डिटेल फिल करना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा तो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करेंगे, उसके बाद में जमाकर्ता, जो आवेदक हैं, आवेदक का नाम यहाँ पर आ जाएगा। आवेदक का नाम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में फिर हम सिलेक्ट करेंगे ज़िला कौन सा है। जैसे मान लीजिए मैं अभी इंदौर के लिए कर रहा हूँ, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं इंदौर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर सब डिवीज़न में यहाँ पर मैं इंदौर सेलेक्ट कर लूँगा। अब मान लीजिए तहसील क्या सिलेक्ट करना है, तो इंदौर में इंदौर तहसील सेलेक्ट कर ली मैंने। इसी तरह से आप अपने गांव, आपका जो गृह ज़िला है, वो तहसील, सब डिवीज़न, ये सारा सिलेक्ट करके आप खुद फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, यहाँ पे पटवारी हल्का कौन सा आ रहा है, तो जैसे यहाँ पे आपका गाँव अगर कुछ भी है तो यहाँ पे जिस हल्के में आता है वो सिलेक्ट करें। गाँव का नाम क्या है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ आता है कि आप ये जो कोर्ट और न्यायालय रहेगा वो कौन सा रहेगा। तो जैसे मान लीजिए आप आवेदन कर रहे हैं तहसीलदार को, तो आपकी तहसील क्या है, आपकी जो तहसील है उसी में आप आवेदन करें। जैसे मान लीजिए मैं भी इसमें कर रहा हूँ तहसील चुनी इंदौर में। ठीक है, तो उसके बाद में आता है कि आवेदक का पता। तो आप जो आवेदन कर रहा है या जब आप आवेदन करते हैं, आप खुद आवेदन करेंगे तो आपका यहाँ पर एड्रेस आप डाल देंगे। उसके बाद में आता है दस्तावेज संलग्न कौन कौन से करना है। तो आवेदन, एक तो आप आवेदन जो प्रिंट निकलेगा उसका आवेदन एक खसरा, और आप अगर विषय क्या है आपका, जैसे अभी यहाँ लिखा हुआ है अभिलेख में सुधार होना है उसके प्रति, तो अगर आप कुछ करेक्शन करवा रहे हैं, अगर बंटवारा करवा रहे हैं, नामांतरण करवा रहे हैं, तो उस पर जिसमें आप करेक्शन करवा रहे हैं उसकी प्रति भी आपको उसमें साथ में देनी है। एक शपथ पत्र बनाएंगे वो, और जो खसरा की B1 आती है वो, ये सब भी चेक मार्क्स लगा देंगे। उसके बाद में अभी आता है यहाँ पर एक से अधिक फाइल अपलोड करने के लिए एक के बाद एक फाइल का चयन करें। तो जैसे कि आप जो दस्तावेज अभी करवाना चाहते हैं जिसमें करेक्शन, उसके दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वो दस्तावेज सिलेक्ट कर लें, पहले से स्कैन करके रख लें आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। उसके बाद में उसको यहाँ से ब्राउज करके सिलेक्ट करें, और आपका ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं। और जैसे आप इस पर सेव इस पर क्लिक करेंगे, सेव करें पर, तो सेव करते से ही आपके पास एक प्रिंट
पोर्टल ओपन होगा और एक पीडीएफ जनरेट होगी जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आपका न्यायालय जो आपने सिलेक्ट करा है उसकी पूरी डिटेल मिलेगी, किस के लिए आपने विषय क्या है वो आपको उसमें रहेगा। उसके बाद में एक 7 दिवस मतलब कार्य दिवस आपके जो, जैसे कि मान लीजिए आपने इंदौर न्यायालय के लिए आपने करा है आवेदन, तो वहाँ पर आपको 7 कार्य दिवस के अंदर प्रस्तुत होना है, नहीं तो आपका ये आवेदन रद्द हो जाएगा। तो आप 7 दिन के अंदर अंदर कभी भी आप वहाँ जाएँ और अपना निराकरण, जो आवेदन आपने किया है उसका निराकरण वहाँ जा कर करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आप रखें और ये जानकारी आप अपने सभी किसान भाइयों तक पहुँचाएँ जिनको इस विषय में जानकारी नहीं है, क्योंकि ये RCMS का जो पोर्टल है ये पहले नहीं था। अभी इसमें जितने भी आवेदन हैं वो आप स्वतः कर सकते हैं। तो निवेदन रहेगा किसान भाइयों कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप यूट्यूब में किसान मित्र चैनल जो है उसे आप सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे ही एक सब्सक्राइब का बटन होता है, आप उस पर क्लिक करें और साथ में लगे घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना सुनिश्चित हो जाए। ठीक है किसान भाइयों, तो जुड़े रहें हमसे, इसी प्रकार हम आपको नई नई जानकारियाँ उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद।